नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रविवार को सागर जिले के रहेली में चित्रकूट के सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट की टीम द्वारा निशुल्क नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया और उसके बाद चिन्हित किया गया। जिन रोगियों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है उनको चिन्हित कर उन्हें निशुल्क चित्रकूट तक ले जाया जाएगा और ऑपरेशन कर उनको वापस उनके गृहनगर भेजा जाएगा। सामाजिक संस्था सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट के द्वारा रहेली क्षेत्र के गरीबों को निःशुल्क नेत्र ज्योति प्रदान करने का पुनीत कार्य कोरोना काल के बाद से लगातार जारी है। संस्था के द्वारा प्रतिमाह की 3 तारीख को रघुनाथ गार्डन में शिविर लगाकर नेत्र रोगियों का निशुल्क परीक्षण किया जाता है और निशुल्क दवाओं और चश्मों का वितरण किया जाता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके मरीज गोकुल ने संस्था की तारीफ करते हुए बताया कि संस्था के द्वारा पूरे सेवा भाव से और निशुल्क इलाज किया जाता है। यह चित्रकूट द्वारा की गई शिविर है जिसमें मोतियाबिंद की हम जाँच करते हैं। मोतियाबिंद जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो लोग अपने से सेल्फ पैसे नहीं होते हैं और वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं और मोतियाबिंद होता है तो हम गांव-गांव जाके हर क्षेत्र में जाके गांव शहर कहीं भी जाके वहाँ उनका परीक्षण करते हैं। जिनको चश्मा है उनको चश्मा एडवाइस करते हैं, जिनको मेडिसिन है उनको मेडिसिन देते हैं। जाली से हमें दिखा लिया और चित्रकूट में कट गया, ऑपरेशन हुआ और सब अच्छी व्यवस्था है। चित्रकूट में खाना पीना सब व्यवस्था है।